सो हेलो पोके फैंस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार नए ग्लेजिंग से पोकेमोन ग्लेज एपिसोड के अंदर। आज के सिटी में हम लोग है फिलहाल व्हाइटवुड टाउन के अंदर। कैसे पहुंचे यहाँ पे क्योंकि जूटो का एकदम नया इंट्रोडक्शन है, तो जरूर देखना लास्ट एपिसोड जिसके अंदर मैंने प्रॉपरली रूट बता के रखा है कौन सा एचएम लगेगा आपको इस सिटी के अंदर आने के लिए और कौन सा रूट आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको एपिसोड्स के अंदर पता चल जाएगी, तो जरूर चेक करना। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में दिए हुए सारी की सारी प्लेलिस्ट, उसके अंदर जरूर लास्ट एपिसोड चेक कर लेना। और अगर आपको सीरीज पसंद आती रहेगी तो बाकी के एपिसोड्स भी चेकआउट कर सकते हो। और एपिसोड पसंद आता है तो प्लीज़ गाइस डिनोट करने के लिए लाइक करना और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने सीरीज़ को पसंद कर लिया है। ऐसे ही सीरीज लाते रहूँगा। यहाँ पे विटनी कुछ बात कर रही है चर्च के एक मेंबर के साथ, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे चर्च है। इफ़ देर वॉजेंट अ मोर परफेक्ट पर्सन, ओके, तो यहाँ पे हम लोग को एक टास्क देने वाले हैं। और जैसमिन बहुत दिनों से गायब है, वो भी एक जिम लीडर है और वो जिम लीडर है ओलिवाइन सिटी की चर्च ऑफ एल्फा के अंदर। शायद से ऐसा लग रहा है उसको कि काइंड ऑफ यहाँ पे जैसमिन किडनैप कर दी गई हो। और प्लीज़ बोका मिस यू गॉट टू हेल्प मी फाइंड अ जैसमिन, आई विल हेल्प यू एनी वे आई कैन डू। तो इसी के साथ हमारा टास्क आज का शुरू हो रहा है जिसके अंदर हम लोग को अल्फा चर्च के अंदर जाना है, चर्च ऑफ अल्फा के अंदर जाना है और डेफिनेटली जैसमिन को ढूंढना है। लेकिन उससे पहले हम लोग पूरा व्हाइटवुड सिटी को घूम लेंगे, देख लेंगे यहाँ पे कैसी कौन सी चीज़ें मिलने वाली है। और इस सिटी के अंदर आपको एक न्यू जिम लीडर देखने मिलेगा जिसका नाम है ब्रायन, जो पता नहीं कौन से पोकेमोन यूज कर सकता है वो ब्रायन। जरूर हम लोग वो भी चेकआउट करने वाले हैं क्योंकि अभी तक तो पता नहीं है कि व्हाइटवुड टाउन के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है। जूटो का एकदम नया टाउन है जो आपको क्लेज के अंदर ही देखने मिलेगा। और डेफिनेटली अभी हम लोग इस घर के अंदर घुसेंगे। एवरग्रीन टाउन के बारे में बातचीत चल रही है, सीनवुड सिटी के बारे में बातचीत हो रही है। व्हाइटवुड सिटी इज प्रीटी ओके, यहाँ पे बहुत ही क्वाइट सिटी मानी जाती है इस सिटी को। आई वॉन्ट टू ट्रैवल गोल्डन रॉड सिटी बट माई पेरेंट्स डोंट अलाउ मी, तो इसको गोल्डन रॉड सिटी घूमनी है जो हम लोग ने ऑलरेडी कवर करके रखी है, आप चेकआउट कर सकते हो सीरीज के अंदर। स्पिरिचुअली क्लेंजिंग सिटी इसको बोला जाता है द व्हाइटवुड सिटी को। और यहाँ पे बंदा है चक और प्राइस आर वंस जोडो जिम लीडर टू बट दे डिसाइडेड टू गो देयर ओन रूट्स। यस डेफिनेटली प्राइस अभी रिटायर्ड हो चुका है, चक भी रिटायर्ड हो चुका है, जब से कैंटो डिस्ट्रॉय हुआ है उसके बारे में मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन देखी रखी है सीरीज के अंदर, तो जरूर चेक कर सकते हो। और यहाँ पे जूटो के अंदर बहुत सारे न्यू जिम लीडर्स देखने मिले हैं, मुझे लगता है एलीट फोर भी शायद से कुछ न्यू हो सकते हैं। यहाँ पे एक बंदा है जो आपको वर्लपूल सिखाने वाला है, ये वो बंदा है जो आपको वर्लपूल सिखाएगा। तो अगर आपको वर्लपूल सीखना है तो आपको व्हाइटवुड टाउन के अंदर यहाँ पे आना पड़ेगा। और डेफिनेटली मैं लैप्रस को वर्लपूल सिखाने वाला हूँ क्योंकि सोमथिंग के पास ऑलरेडी वाटरफॉल और डाइव अटैक है, उसको देख के मतलब नहीं बनने वाला। तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे निकालने वाले शेर कोल जिसका ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होने वाला, और हील करने जाएंगे पोकेमोन को। और राइजिंग बैच हम लोग को जीतना पड़ेगा अगर हम लोग को वर्लपूल बाहर के साइड में यूज़ करना है। शायद से व्हाइटवुड सिटी का जो जिम लीडर है ब्रायन, वो हम लोग को राइजिंग बैच दे सकता है। वो सारी चीज़ें पता चल जाएगी वो कौन सा बैच देगा और क्या क्या चीज़ें होने वाली है, उसके बाद हम लोग शायद से वर्लपूल भी यूज़ कर पाएंगे। लेकिन हील करेंगे हमारे पोकेमोन्स को। और काइंड ऑफ टीम थोड़ी सी नहीं हो चुकी है चार्मेंडर के बाद, चार्मेंडर कहाँ से मिला ज़रूर सीरीज को चेक करो। और यहाँ पे हम लोग आगे नहीं जा सकते क्योंकि इस चर्च के मेंबर ने, पीयूस ने काइंड ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन करके रखा हुआ है। विटनी विल यू ट्राई टू हेल्प मी फाइंड जैस्मिन, ओके, तो विटनी ने बोला है कि जैस्मिन को ढूंढना है यहाँ पे चर्च के अंदर। पीयूस हम लोग को मिला था एक्वेटिक सिटी के अंदर, मुझे लगा था बहुत अच्छा बंदा है, लेकिन अभी विटनी काइंड ऑफ उस पर सस्पिशियस दिखा रही है तो पता नहीं अच्छा है कि बुरा है। लेकिन डीएमोन, ओके, आशियस और डीएमोन के बारे में बातचीत हो रही है, काइंड ऑफ ऐसा जो अपना बाइबल रहता है उसके जैसे ही पोकेमोन बाइबल हो सकता है, उसमें से कुछ चीज़ें पढ़ के बता रहा है ये, लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश भी कर सकता है ये। तो डेफिनेटली यहाँ पे फार क्राई 6 अगर आपने खेला रहेगा तो फार क्राई 6 या 5 पता नहीं, लेकिन जिसके अंदर फादर का फिगर है तो वैसे ही काइंड ऑफ इन्होंने थोड़ा सा ट्राई किया है। लेट्स प्रे, और आशियस के सामने ये प्रे करने की कोशिश करे जिसको पोकेमोन गॉड भी बोला जाता है। तो लाइट प्लेटिनियम के अंदर मैंने आशियस को कैप्चर करके रखा हुआ है, तो जरूर चेक करना लाइट प्लेटिनियम सीरीज को भी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। अभी तक चार जितने भी पोकेमोन गेम्स खेले ना गाइस, उनका सारा का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, सबसे बातचीत कर लेंगे, पता नहीं कौन क्या चीज़ें देने वाला है हम लोगों को। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे सारे बंदे जो है वो सर्विस कर रहे हैं फिलहाल इसके अंडर, और ये जो बंदे हैं वो ऑडियंस है जो काइंड ऑफ चर्च को अटेंड करने आए हैं, और बाकी के बंदे जो ग्रीन कपड़े में हैं वो शायद से अल्फा के मेंबर हो सकते हैं अगर विटनी का सही माना जाए तो। तो सारे से बात जरूर करेंगे। माय हस्बैंड आई लुक फॉरवर्ड टू कमिंग हियर एवरी संडे, ओके, यहाँ पे माय वाइफ इंसिस्ट आई कंपनी हर हियर बट बिटवीन आई एम ऑन एक्चुअली डे ड्रीमिंग, ओके, सारी चीज़ें। तो कुछ कुछ लोग चर्च को बहुत फेथफुली अटेंड करते हैं और कुछ लोग खाली टाइम पास के लिए जाते हैं, तो वैसी वाली चीज़ें यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं ये लोग। और डेफिनेटली हम लोग को पता चलने वाला है कि अल्फा कोई एक टीम है कि नहीं, क्योंकि इस लीग के अंदर हम लोग ऑलरेडी टीम फ्यूजन से बैटल कर रहे हैं, तो अगर एक और टीम आ जाती है तो थोड़ी सी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और देखते हैं उसके साथ बातचीत कर लेते हैं। और रिमेंबर यू द चाइल्ड फ्रॉम द स्प्राउट और करेक्ट इट्स ब्राइट माय स्पिरिट टू सी द यूथ ऑफ टुडे इंटरेस्टिंग, ओके, तो हम लोग कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, मैं तो फिलहाल यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने आया था कि शायद से तू कोई बुरी चीज़ में ना इन्वॉल्व हो। लेकिन जैसे हम लोग ने इस बात को सामने लाया, उसने डेकॉन को बुलाया
डेकॉन के सामने बातचीत कर रहे हैं और किसी ग्रेवयार्ड के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो साइड में एक ग्रेवयार्ड है जिसको हम लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था और वो बंदा फटाक से वहाँ पे चला गया। तो मुझे लगता है पीयूष शायद से रॉन्ग बंदा है। जब भी मैंने अभी जैस्मिन के बारे में जैसे ही बोला उसने थोड़ा सा रिएक्ट किया। हम लोग थोड़ा सा और घूमने वाले हैं चर्च को, देखेंगे कहाँ पे भी कुछ हिडन एलिमेंट हम लोग को मिलने वाले, हिडन डोरवेज मिलने वाले, जैसे कि टीम रॉकेट के हाइड आउट के लिए जाने के लिए आपको कोई भी गेम कॉर्नर के अंदर या फिर हो सके तो प्राइस के मतलब जो अपना आयुर्वेदिक जो है मतलब एरिया है उसके अंदर भी दिखाई देगा, जो आपको महागणी टाउन के अंदर दिखाई देगा एंट्रेंस देयर। ओके, तो जैसे ही विटनी को पता चला ग्रेवयार्ड के अंदर कोई एंट्रेंस है, वो विटनी वहाँ से जल्द से भाग गई। मुझे कब से सस्पिशन था कि यहाँ पे ग्रेवयार्ड के इस ग्रेव के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें होगी, तो एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। और ये टूमस्टोन ओके डिफरेंट लगा ही दे रहा है क्योंकि बाहर के सारे एकदम ऐसा परफेक्टली दिखाई दे रहे हैं। विटनी वेट जॉब गुप एम एस कम ऑन लेट्स हर्री अप एंड फाइंड जैस्मिन। तो हम लोग अभी इसके अंदर घुसने वाले हैं जैस्मिन को ढूंढेंगे, लेकिन ऊपर जो बंदी है वो काई लॉक न लगा दे बस भाई, इतना ही प्रे। और यहाँ पे बहुत सारे डोर्स है। तो अल्फा के मेंबर्स है ये और अल्फा का फर्स्ट बेंदर है डीकॉन। तो डीकॉन से बैटल करेंगे, लेकिन अल्फा के सारे बंदे ही ऐसे होंगे तो इजी होंगे तो क्योंकि फटाफट से डिफीट कर पाएंगे उनको। और मुझे एक्वेटिक सिटी के अंदर लगा था कि पीयूष शायद से अच्छा बंदा होगा, लेकिन पीयूष वैसे वाला बंदा नहीं निकला, वो बहुत ही बुरा है फिलहाल। तो कंडीशंस वैसी ही दिखाई दे रही है। येल्लो लॉक लगेगा, येल्लो की लगेगी इसके लिए, तो हर एक कलर के हिसाब से आपको की लगने वाली है। इस की को कलेक्ट करना है इस पर्टिकुलर चर्च के अंदर से। और अगर आप ये गेम खेलना चाहते हो, गेम का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हो, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे भी अनदर की ज़रूरत पड़ने वाली है। अनदर अल्फा का मेंबर जिसके पास है कंगेज़ खान, जो है 59 लेवल का। मेरा जो समथिंग है ना एज़ कम्पेयर टू बाकी के पोकेमॉन्स बहुत ज़्यादा जल्दी से इंक्रीज़ हो चुका है, और यहाँ पे अजूरी लाते हुए तो इसके वजह से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। और चार्मेंडर को भी उतना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है मोस्ट प्रॉब्ली आज के एपिसोड में चार्मेंडर इवॉल्व भी हो जाएगा, चार्मेलियन इवॉल्व हो जाएगा, वो भी चैरिज़ार्ड के अंदर। यहाँ पे रेड की हम लोग को मिलते हुए, तो रेड की जिसको लगने वाली है यहाँ पे, तो हम लोग को ब्लू की ज़रूरत लगने वाली क्योंकि यहाँ पे ब्लू लॉक। और यहाँ पे क्या है, ओके यहाँ पे ब्लड रेड की, और इसके साथ हम लोग ने रेड की को अटैच कर दिया है। यहाँ से एक अनदर पाथवे ओपन होते हुए, तो इसके फॉलो करेंगे। यहाँ पे चेंसी है, चेंसी को डिफीट करने के लिए आप अर्थ पिक यूज़ कर सकते हो या फिर ड्रेन पंच यूज़ कर सकते हो, जो डेफिनेटली मैंने पॉलीपैथ की मदद से बहुत बार हरा है चेंसी को। और यहाँ पे फ्लेम थ्रो सीखते हुए हमारा चार्मेलियन, और डेफिनेटली मुझे लगता है एक और लेवल उसके बाद वो चैरिज़ार्ड के अंदर इवॉल्व हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोग ने अनदर मेंबर को हरा दिया, अनदर मेंबर ऑफ टी अल्फा। और अल्फा काइंड ऑफ मुझे ना ऐसा अलग सी चीज़ ही पता चल रही है, क्योंकि ये काइंड ऑफ मुझे ना ऐसा दूसरी लीग से ली हुई चीज़ें लग रही है अल्फा के बारे में। यहाँ पे चार्मेंडर चला गया 35 पे, चार्मेलियन चला गया 35 पे, जिसका नाम हम लोगों ने लिखने में रखा है चार। और यहाँ पे कैक्लियन आते हुए, कैक्लियन को डिफीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है स्वम्पिंग के लिए, लेकिन डेफिनेटली उसने अपना काम कर दिया है, हरा दिया है इसको। और अनदर बैटल इसके बाद शायद से हो सकता है तो चैरिज़ार्ड के अंदर इवॉल्व, क्योंकि 36 पे होता है चैरिज़ार्ड इवॉल्व, फिर 35 पे। और यहाँ पे 36 पे चला जा चुका है चार, तो मुझे लगता है आज हम लोग को चैरिज़ार्ड भी देखने मिलने वाला है। तो फाइनली जिसने भी मुझे चार्मेंडर सजेस्ट किया था, तो उसका सजेशन यहाँ पे फाइनली कंप्लीट हो चुका है। उसने एक्चुअली चैरिज़ार्ड सजेस्ट किया था, तो उसके लिए चार्मेंडर पकड़ना पड़ता है। और डेफिनेटली यहाँ पे हमारा चार इवॉल्व होते हुए, मतलब चार्मेलियन इवॉल्व होते हुए चैरिज़ार्ड के अंदर इवॉल्व होते ही विंग अटैक सीखेगा, और जो मुझे फ्लाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। लेकिन इस गेम के अंदर फिलहाल फ्लाई है नहीं, क्योंकि हम लोग फ्लाई सीख नहीं सकते फिलहाल जोटो के अंदर। जोटो के अंदर आपको टेलीपोर्टेशन मशीन यूज़ करनी पड़ती है अगर आपको एक सिटी से दूसरी सिटी जाना हो तो। कॉन्ग्रेचुलेशन योर चार इवॉल्व टू द चैरिज़ार्ड, और इसके साथ ही वो विंग अटैक सीख लेगा। तो विंग अटैक इसकी जगह सिखाने वाले हम लोग एम्बर को निकाल लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी फ्लेम थ्रो है हमारे पास, और फ्लेम थ्रो का पीपी भी अच्छा खासा है। और यहाँ पे है जैस्मिन, अगर वो मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे जैस्मिन डेफिनेटली, और हम लोग को एक कोड लगने वाला है इस पर्टिकुलर जेल को ओपन करने के लिए। तो कोल को पहले फिगर आउट करेंगे, उसके बाद ही ओपन करेंगे, शायद से कुछ गलत दब जाए तो रॉन्ग हो जाए तो भाई लॉक्ड ही ना हो जाए बुरा बुरा। तो I don't know where Celebi is and the locked up. Okay, यहाँ पे Celebi भी गायब हो चुकी है। It's locked by the password. I managed to grab a key from the guard, hoping to escape, but it was no good. It must unlock some other door in here. Here, take it. तो हम लोग को यहाँ पे ब्लू की मिलते हुए, रेड की मिल चुकी है, ब्लू की मिल चुकी है, तो ब्लू की के मदद से हम लोग चाहे से येल्लो की को भी ले सकते हैं। तो पहले ब्लू डोर को हम लोग ओपन कर लेते हैं, जो हम लोग को सेकेंड सेक्शन के अंदर मिला था, यहाँ पे नहीं सेकेंड सेक्शन के अंदर। यहाँ पे तो येल्लो लॉक लगने वाला है। यहाँ पे चेक कर लेते पहले यहाँ पे क्या एंट्रेंस है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन फिलहाल हम लोग आगे की तरफ जाएंगे क्योंकि वहाँ पे एक बैटल भी हो सकती है। ब्लू की को अटैच करेंगे, और यहाँ पे हम लोग घुसते हुए एक अनदर बंदा यहाँ पे खड़ा है। आई बिन लॉक्ड इन हियर फॉर आवर्स, तो ये बंदा बेचारा अंदर घुसा था और लॉक्ड हो गया। तो इस बंदे ने शायद से हम लोग को, इस बंदे के पास से हम लोग शायद से येल्लो की मिल सकती है। ओके, येल्लो की मिल चुकी है सेक्टॉन के ऑफिस की, और सेक्टॉन शायद से इधर का मेन मेंबर हो सकता है, उसको भी लॉक किया हो पीयूष ने। और देखते हैं कि फिलहाल हम लोग जाते हैं दूसरे डोर की तरफ, जो नीचे के साइड पे है, जो येल्लो डोर अभी हम लोग ने जस्ट देखा था। तो येल्लो
डोर को येल्लो की लगा देते हैं और अंदर घुस जाते हैं। ये है सेक्टॉन का ऑफिस और चर्च ऑफ एल्फा। व्हाट आर यू डूइंग हियर यंगस्टर, आई एम अफ्रेड आई कैन बी अ बदर विद द ट्राइबल, ओके बी रिस्पेक्टफुल ऑफ आवर ग्रेवयार्ड एंड पुट लॉट ऑफ वर्क ऑन मेंटेनिंग, आई डोंट लुक बिहाइंड ऑन मना फॉर योर, ओके यहाँ पे किसी ग्रेवयार्ड के बैक साइड पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है, अगर मैं पर्टिकुलर हूँ तो फिर से पढ़ रहा हूँ, विद रिस्पेक्टफुल आवर ग्रेवयार्ड टू आई पुट लॉट ऑफ वर्क इन टू द मेंटेनिंग इट एंड डोंट लुक बिहाइंड वन ऑफ द फार साउथ ईस्ट आइदर। तो साउथ ईस्ट ग्रेवयार्ड के अंदर जो ग्रेव है उसके पीछे नहीं देखना है। तो साउथ ईस्ट पहले तो मुझे पता नहीं कौन सा साउथ ईस्ट है, ये बेचारी जैस्मिन को ही ढूंढ रही है। तो हम लोग फिर से एक बार जैस्मिन के पास जाते हैं, उसको पूछ लेते कि उसको कुछ पता है कि नहीं है, और उसको तो कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ से एंट्री करके देख लेते कि यहाँ पे कुछ चीज़ें मिलने वाली है। स्टेप राइट डे है, ओके, तो पीयूष की मतलब पीयूष के मर्जी के खिलाफ हम लोग तो एंटर नहीं कर सकते। तो फिलहाल हम लोग बाहर जाएंगे ग्रेवयार्ड के ऊपर, हम लोग को स्विच करके देखना पड़ेगा ये ग्रेवयार्ड है या दूसरा ग्रेव है या फिर कोई दूसरा एक ग्रेवयार्ड रहेगा जहाँ ये सारी चीजें मिलने वाली है। फिर से एक बार पूछ लेते इसको, व्हाट आर यू डूइंग हियर यंगस्टर, आई एम अफ्रेड आई कांट बी अ बदर विद द ट्राइबल मैटर्स नाउ, बी रिस्पेक्टफुल आवर ग्रेवयार्ड टू आई पुट लॉट ऑफ वर्क इनटू द मेंटेनिंग इट एंड डोंट लुक बिहाइंड वन ऑफ द फार साउथ ईस्ट आइदर। तो साउथ ईस्ट का डायरेक्शन ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। ये गेम्स के अंदर ना काइंड ऑफ थोड़ा सा अलग चीज़ हो जानी चाहिए, क्योंकि GBA के अंदर आपको जब डायरेक्शन बताई जाती है और डायरेक्शन के मामले में मेरा तो भांगड़ा है भाई। तो सारे ग्रेव्स पे क्लिक करने वाला हूँ मैं, और सारे ग्रेव्स पे क्लिक करके देखने वाला हूँ कि शायद से यहाँ पे कुछ मिल जाए या वहाँ पे कुछ मिल जाए। डेफिनेटली ये बंदी भी कुछ बताने नहीं वाली, तो हम लोग को ये ग्रेवयार्ड का सेक्शन देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें होने वाली है, और इस सेक्शन के ऊपर भी कुछ भी चीज़ नहीं लिखाई हुई है, तो कहाँ पे लिखा हो सकता है इसका एक पर्टिकुलर पासवर्ड, वो चीज़ हम लोग को पता लगनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि किसी बिहाइंड बैक साइड पे हो सकती है, और यार कहाँ पे है, मुझे लगता है इसके बैक साइड पे हो सकती है, क्योंकि हम लोग ने अभी तक बैक साइड चेक नहीं किया, हम लोग ने खाली फ्रंट साइड चेक किया। तो अभी से मैं बैक साइड चेक करना स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन हम लोग फिलहाल दूसरे एक एरिया को भी चेक कर लेते, शायद से वहाँ पे कोई ग्रेवयार्ड हो या ना हो। लेकिन यहाँ पे आगे के साइड पे हम लोग जाके आ चुके हैं, वहाँ पे कोई भी ग्रेवयार्ड नहीं था, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ग्रेवयार्ड हो सकता है इसी अंदर, मतलब इसी ग्रेवयार्ड के अंदर वो ग्रेव हो सकती है। लेकिन अभी हर एक जगह में कैसे क्लिक करेंगे, तो बिहाइंड द डोर से एक बार क्लिक करके देख लेते हैं कि कहीं पे कहीं मिल जाए। यस डेफिनेटली यहां पे है द जबैक प्रोटेक टू स्टोन, इट्स लुक लाइक समथिंग, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहां पे है MMX III, तो काइंड ऑफ ये हो सकता है पासवर्ड जैस्मिन के लॉक का। तो अंदर जाएंगे, लॉक ओपन करने के लिए टाइप करना है आपको MMX III जैसे कि है, और MMX दबाना है, उसके बाद दबाना है MMX III, और पल्पस और काइकन क्यों दिया है, वहाँ पे की काइकन दे सकते हो आप। तो इसके साथ जैस्मिन छूटते हुए और यू आर लाइफ सेव डेट फायर, आई नो वी कैन जस्ट लीव क्वाइटली बट आई डोंट वॉन्ट टू लीव द पीयूष एक्शन, ओके। तो अभी ये पीयूष के साथ बैटल करना चाहती है, ये क्वाइटली जहाँ से नहीं जाना चाहती, इट्स नो गुड और डोर इज लॉक, डू यू थिंक समवन अराउंड हियर माइट हैव द की। तो अभी हम लोग को खाली एक ही दरवाज़ा पता है, वो है सेक्टॉन का, क्योंकि सेक्टॉन को ही सारी चीज़ें पता हो सकती है, क्योंकि वो ही है इस चर्च का मेंबर ऐसा बोला जाएगा। तो और व्हाट आर यू डूइंग यंग यंगस्टर, आई एम अफ्रेड आई एंड ये सेम चीज़ चिल्ला रहा है यार, कोई अलग चीज़ चिल्ला, ओके यस ओ माय आई एम गोइंग टू लेट, आई मस्ट रिंग द चर्च वेल्स टू इन चाइल्ड, डोंट पोक अराउंड मैं, ओके ये जो चीज़ नहीं बोलना है वही हम लोग को करनी है। देयर इज अ ड्रॉवर सेक्टर डेस्क एंड ओपन द ड्रॉवर, हम लोग को मिल चुके हैं दो ऑर्नेट की, और शायद से ऑर्नेट की हो सकती है ओपन द डोर करने वाली, वो भी हम लोग को पीयूष से मिला सकती है कि जाते सीधा जैस्मिन के पास, ये की को दे देते हैं जैस्मिन को। यू थिंक द ऑर्नेट की विल वर्क, आई विल बेट इट विल डू, एंड इसके साथ हम लोग ने ऑर्नेट की को दे दिया, लेकिन फाइन अलॉन्ग विद डेट्स ओके राइट आई वॉन्ट गेट इन वे आई प्रॉमिस, टेल मी आर यू रेडी, यस डेफिनेटली हम लोग अभी फिलहाल जैस्मिन के साथ फाइट करने वाले हैं। तो मुझे पता नहीं है कि जैस्मिन भी इसके साथ फाइट इसमें अंदर फाइट करने वाली है कि नहीं, क्योंकि बहुत बार हम लोग के साथ बहुत सारे बंदे आते हैं लेकिन कोई भी हम लोग के साथ फाइट नहीं करता, हम लोग को अकेले ही सारी चीज़ें संभालनी पड़ती है। तो हम लोग ने फाइनली ये पीयूष बोल रहा है कि यार फ्री कर लिया फ्रेंड को, यस डेफिनेटली हम लोग ने फ्री कर लिया, आई एम ऑल्सो जिम लीडर, तो जैस्मिन एक जिम लीडर है, वही सारी चीज़ें बता रही है पीयूष को, और बट टू ऑन मी दैट्स हार्डली फेयर गैंगिंग ऑफ मी, ओके। तो यहाँ पे सेक्टॉन आते हुए और जिसको मैं अच्छा बंदा बोल रहा था वो शायद से हो सकता है बुरा बंदा भी, क्योंकि वो पीयूष को जानता है, पीयूष के साथ ही अभी बैटल करने वाला है, तो ऐसे हो सकता है ड्यूअल बैटल, टू वर्सेस टू बैटल हो सकती है, सेक्टॉन पीयूष वर्सेस जैस्मिन वर्सेस नहीं जैस्मिन एंड मी। तो हम लोग को तीन पोकेमॉन सेलेक्ट करने हैं, पहला तो समथिंग होगा नो डाउट अबाउट इट, और सेकंड होगा लैपी, और थर्ड होगा हमारा पिकाचू, क्योंकि पिकाचू का ऐसा प्रिकॉशन लेने वाला था, मैं चार्मेंटर को भी चार्लीसॉर्ड को भी ले सकता हूँ लेकिन वो चीज़ नहीं करेंगे। और फाइनली हम लोग अभी बटन को दबाएंगे, और ये है नीचे की टीम जैस्मिन की, वो डेफिनेटली स्टीलिक्स एग्रॉन को यूज़ करने वाली है, और हम लोग अभी यूज़ करने वाले हैं समथिंग को। थोड़ा सा ज़रूर मिसमैच हो सकता है, लेकिन हम लोग ज़रूर फिगर आउट करेंगे कैसे हरा सकते हैं अभी गैलेड और गाड़ी वायर को। तो
ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अर्थ क्यूब यूज़ करेंगे। मुझे लगता है स्टीलिक्स को भी बैठने वाले, लेकिन अगर सामने वाले पोकेमॉन हार रहे तो भाई थोड़ा सा स्टीलिक्स डैमेज सह सकता है। तो यहाँ पे पिजियोट और एब्सोल्ट, तो सर्फ अटैक यूज़ करेंगे, सर्फ नहीं लगेगा स्टीलिक्स को, लेकिन यहाँ पे दोनों को दोनों फ्लाइंग टाइप है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग सर्फ अर्थक्वेक नहीं यूज़ कर सकते, सर्फ यूज़ कर सकते हैं। नॉकडाउन चले जाते हुए और यहाँ पे हम लोग वाटरफॉल यूज़ करेंगे पिजियोट को हराने के लिए। पिजियोट भी चला जा चुका है, आ रहा है माइलोटिक और अभी अर्थक्वेक करेंगे, और इसके बाद स्टीलिक्स भी गया, माइलोटिक भी गया, हम लोग ने जिता दिया है डेफिनेटली जैस्मिन और मेरी टीम को। तो जैस्मिन को थोड़ा सा एक सैक्रीफाइस सेंड करना पड़ा, लेकिन चलता है भाई, अगर जीत है तो थोड़ी सी सैक्रीफिकेशन यहाँ पे चलने वाली है, और वैसे भी मैंने उसको मार नहीं दिया, वो खाली फ्रेंड हुआ। तो सेक्टॉन, आई एम प्लेसिंग यू इन द चार्ज व्हाइल आई एम बिगिन वन इंपॉर्टेंट बिजनेस, इफ़ आई डोंट सी यू इन दिस लाइफ ओके। तो यहाँ पे कुछ तो इंपॉर्टेंट बिजनेस और ज़्यादा होने वाला है, ये यहाँ पे ओवर नहीं होते हुए। तो टीम फ्यूजन के साथ शायद से पीयूष भी मिक्स हो सकता है, या फिर पीयूष जा सकता है टीम फ्यूजन के पास, उनको काइंड ऑफ अपना अलायंस जारी कर सकता है। तो अभी हम लोग को जिम के पास जाना पड़ेगा, लेकिन आई कंप्लीटली फॉरगॉट विद ऑल दिस ट्रबल बिटवीन टीम फ्यूजन एंड पीयूष, आई नेवर गिव यू योर रिवॉर्ड डिफीटिंग मी। तो ऑब्टेन अ मिनरल बैच, तो हम लोग को यहाँ पे मिनरल बैच मिलते हुए वो भी जैस्मिन के पास से। तो जैस्मिन ने फाइनली हम लोग को TM-47 भी दे दिया है, जिसका नाम है द स्टील विंग। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो पढ़ लेते पहले स्टील विंग है कि नहीं है, या डेफिनेट स्टील विंग है तो हमारा अभी 4000 स्टील विंग भी कर पाएगा, और हमारे पास में मिनरल बैच भी है, तो हम लोग को लेना है द राइजिंग बैच। तो राइजिंग बैच मोस्ट प्रॉबली कोई दूसरे सिटी के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि ब्लैकथॉर्न सिटी के अंदर क्लेयर अभी तक अवेलेबल नहीं है, उसको भी देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ एवरग्राउंड टाउन के अंदर भी वहाँ पे कोई एक जिम है, तो विटनी को भी हम लोग ने मिल लिए, और विटनी ने हम लोग को ऐसा कुछ स्पेसिफिक चीज़ें तो बताई नहीं, लेकिन अभी हम लोग जाएंगे सीधा व्हाइटवुड सिटी चैलेंजर को चैलेंज करने के लिए, क्योंकि चर्च ऑफ अल्फा का जो मेन थिंग था वो तो क्लोज होते हुए यहाँ पे हम लोग हील करेंगे हमारे पोकेमॉन्स को। और आज के एपिसोड में यहीं पर रुकने वाला हूँ मैं, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम लोग चैलेंज करेंगे व्हाइटवुड सिटी जिम लीडर को। कैसे लगा आज का एपिसोड लाइक बटन प्रेस करके बता सकते हो, बोलते बोलते गला बैठ गया तो सब्सक्राइब कर देना गाइस इसी सपोर्ट के लिए, और आगे जाके चेक कर लेते हैं कि ब्रिज ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ब्रिज ओपन नहीं होता तो हम लोग को कुछ अलग चीज़ भी करनी पड़ सकती है, तो उसको भी चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, फॉलो करके आ गए तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे ब्रिज ज्वाइन हो चुका है, और अभी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के अंदर चैलेंज करेंगे जिम लीडर को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पोकेमॉन के लिए, सब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।